राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं आस्था के साथ साथ राम मंदिर को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है, जिस पर कांग्रेस ने एक तरफ जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर न जाने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राम मंदिर की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस नेता ने कहा है कि राम मंदिर का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही करवा चुके हैं, अब यहीं से मामले ने और तूल पकड़ लिया है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। देश में हिंदुत्व के मुद्दे की बात हो या राम मंदिर के लिए चला आंदोलन, हमेशा से ही हिंदुत्व को एकजुट करने की पहल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उससे जुड़े संगठन सबसे आगे रहे हैं। लेकिन क्या राम मंदिर के लिए पूरा श्रेय इन्हें दिया जाना सही है? क्या राम मंदिर में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। यह समझने के लिए इतिहास के पन्ने खोलने होंगे। दरअसल 1986 में जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए थे। ये कहना गलत नहीं है कि उस दौरान ये फैसले अदालती आदेश के बाद लिए गए थे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में अब तक विवादित राम मंदिर जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चला रहा था। उसी साल दिसंबर में लोकसभा चुनाव होने थे, ऐसे में चुनावी समीकरण को साधने के लिए अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को कांग्रेस अपने साथ करना चाह रही थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से गुप्त मीटिंग भी रखी गई थी। बदले में चुनाव में साधु संत सरकार का समर्थन करेंगे, ऐसा दावा भी किया गया था, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत भी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय बीजेपी नहीं चाहती थी शिलान्यास हो। बीजेपी ने तब बीपी सिंह को अपना समर्थन दिया था। परिणाम ये रहा था कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और राजीव गांधी की जगह वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद एक बार फिर से राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा और कार सेवकों की मांग होनी शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में कांग्रेस से अपने घोषणा पत्र में भी मंदिर बनवाने का वादा किया था। ठीक साल भर बाद जब बाबरी मस्जिद को ढह गया, तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। इसके बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाने का वादा किया। थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात नवंबर 2019 की है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुत्व के हक में आया, यानी राम मंदिर बनाने को हरी झंडी मिली, तो तब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार थी। राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया, हालांकि इस बार बाबरी मस्जिद का यहां कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जनवरी 2024 में जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना है, तब कांग्रेस ने बुलावे के बाद भी न जाने का फैसला लिया। कांग्रेस ने अपने बयान में इस बात पर जरूर जोर दिया कि राम करोड़ों के आराध्य हैं और धर्म एक निजी मामला है। साफ शब्दों में कहे तो कांग्रेस खुद को कार्यक्रम से जुड़ा नहीं दिखाना चाहती। इसकी ऐतिहासिक और सियासी वजह यह है कि कांग्रेस मंदिर निर्माण आंदोलन को एक तरह से संघ परिवार का आंदोलन बता रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट।